अब हम देखते हैं डायलिसिस। आपने डायलिसिस का नाम बहुत बार सुना होगा कि किसी की किडनी फेल हो जाती है या किसी की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है या किसी की किडनी में इंफेक्शन हो जाता है या किसी को बहुत ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में किडनी फंक्शन जो होते हैं वह बंद हो जाते हैं और आपने सुना होगा कि उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ी। तो ये डायलिसिस वास्तव में होता क्या है? डायलिसिस वास्तव में एक आर्टिफिशियल एक यंत्र होता है जो कि किडनी के समान कार्य करता है। अर्थात किडनी का काम क्या होता है, जैसे हमारे रुधिर को फिल्टर करके या यूरिन का क्या करता है यहाँ पे निर्माण करता है, तो उस प्रकार से ही किडनी का ये जो हीमोडायलिसिस या जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, हीमो का मतलब होता है रुधिर, रुधिर को डायलिसिस करना या फिल्टर करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस। तो यह एक हीमोडायलिसिस का उपकरण है। इसमें क्या किया जाता है कि हमारे रुधिर को डायरेक्ट जो हमारे रुधिर की जो ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स मान लो कि हमारे शरीर में जैसे धमनी हो गए, तो धमनी से यहाँ पे रुधिर को इस नलिका से इससे जोड़ दिया जाता है और इसमें दबाव मापक वगैरह लगे होते हैं और यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है। इस प्रकार से यह कुंडलित नलिका ये आपको दिखाई दे रही है, चारों कोनों पे यहाँ पे एक बॉक्स के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर का बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। यह डायलाइजर क्या करता है, इसमें एक तरल द्रव पदार्थ भरा होता है जिसको डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। यह डायलिसिस फ्लूइड हमारे जैसे ऊतक होते हैं, ऊतक का जो फ्लूइड होता है उसके जैसे फ्लूइड यहाँ पे उस वातावरण को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है और इस फ्लूइड की जो सांद्रता होती है वह हमारे टीसी फ्लूइड के समान ही होती है तथा इसमें नाइट्रोजिनस पदार्थ तथा साल्ट ये नहीं पाए जाते हैं। और यहां से एक नली निकलती है, इस नली को बोलते हैं सेलोफेन की बनी नली और ये सेलोफेन की नली आगे जाके फिर से इसको सिरा में या वेंस में इसको हम जोड़ देते हैं। तो एक जगह से रुधिर आता है और दूसरे तरफ से रुधिर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब रुधिर आता है तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा किया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर तो रुधिर क्या होगा, जमने लगेगा। तो उसको न जमने देने के लिए यहाँ पे एक एंटीकोबुलेट कंजुकेशन या जिसको बोलते हैं प्रति स्कंदन संयोजन एक यहां से इंजेक्शन के द्वारा यहां से इंटर किया जाता है और रुधिर को माध्यम जो है वह तरल ही बना रहता है। अब यहाँ पे जैसे ही इस डायलाइजर में आता है यह फ्लूइड, तो ये रुधिर आता है तो यहाँ पे जो इसमें फ्लूइड होता है उसमें इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें छन जाते हैं किडनी के समान, जैसे वो होता है ना हमारा बोमेन कैप्सूल, तो उसके जैसे यहाँ पे क्या होता है जो जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इस डायलाइजर में रह जाते हैं और यहां से रुधिर को निकाल के फिर से इसको सामान्य टेम्परेचर में ला के फिर से यहाँ पे सिरा में जोड़ दिया जाता है। तो यह क्रिया वास्तव में एक आर्टिफिशियल किडनी के जैसे काम करता है। तो मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी होती है ये वास्तव में, और यह एक वरदान साबित हो गया कि आपने देखा होगा कि जो किडनी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, संख्या में 2 होती है। किडनी के बिना हमारा शरीर में पानी की अत्यधिक मात्रा हो जाएगी या अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो जल, खनिज लवण और विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया वगैरह का हमारे शरीर में कुछ जहरीले पदार्थों का जमा हो जाएगा और इन जहरीले पदार्थों के जमा होने के कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए यह यंत्र बनाया है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि डायलिसिस यूनिट अलग से होती है और उस डायलिसिस यूनिट में रोगी को ले जाया जाता है, उसको हीमोडायलिसिस करके फिर से उसको घर में भेज दिया जाता है। लेकिन यह क्रिया क्या होती है, बार बार करना पड़ता है क्योंकि किडनी का काम ये 24 घंटे तो लग ही नहीं रह सकती, जबकि उत्सर्जन का कार्य तो यह 24 आवर चलते रहता है। जितने उत्सर्जित पदार्थ होते हैं तो वह यूरिन का निर्माण हमारे शरीर में 24 आवर होता है, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ इसे टाइम पीरियड में ले जाना पड़ता है और उसको फिर से यह डायलिसिस करके फिर से वापस भेज दिया जाता है। यह प्रोसेस जो होती है काफी महंगी होती है, लेकिन सरकार ने भी इसको देखते हुए कई सारे सरकारी अस्पतालों में इसकी मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई है। तो इस प्रकार से यह हो गया हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस के बाद में
हम देखेंगे प्रश्नोत्तरी। अब हम देखते हैं अध्याय के प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि व्रत की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। हमें यहाँ पे वक्राणु या नेफ्रांस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नेफ्रांस बोलते हैं, इनकी हमें रचना तथा क्रियाविधि का यहाँ पे वर्णन करना है। हमने उत्सर्जन में सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया था, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो किडनी होती है, इस किडनी में कई सारे नेफ्रांस, जिसे कि हम व्रतकाणु भी कहते हैं, करीब 10 लाख नेफ्रांस की हमने बात की थी कि यह हमारे किडनी में पाए जाते हैं। तो इस नेफ्रांस को हम उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि इस नेफ्रांस के माध्यम से ही जो किडनी के अंदर ये हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। था फिल्ट्रेशन का मुख्य काम हमारे शरीर में यह नेफ्रांस करता है और उनकी किडनी में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम थोड़ा उसको समझ लेते हैं। हमने देखा था कि इस प्रकार से एक प्याले के समान संरचना हमने देखी थी इस प्रकार से, और यहां से ये इस तरह से ये निकलती हुई, और इसमें आपको इस तरह जालिका के समान संरचना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और यहां से दो धमनियां आती, एक धमनी आती है जिसको कि हम इफ्रेंट आर्टियोल्स, और ये होती है एफ्रेंट आर्टियोल्स। अब ये नलिका ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे हेलन लूप का निर्माण करती है, और हेलन लूप से यहां से यहां इस प्रकार से यह संग्राहक नलिका भी ये मिल जाती है इस प्रकार से ये। तो क्या होता है, ये जो कप के समान संरचना है इसमें हम क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल, और ये वाली जो है इसको बोलते हैं ग्लेरुलस। यहां पे जो धमनी रुधिर लाती है इसको बोलते हैं एफ्रेंट आर्टरीज, या एफ्रेंट धमनी, या अफवाही जो ब्लड लाती है, और ये जो यहां से ब्लड निकालती है। अब यहां से जो ब्लड लाती है, फिर ये धमनी क्या करती है, यहां से चारों ओर से इसको लपेटी हुई इस प्रकार से यह जाती है, और अंत में रुधिर आ जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहां से जो रुधिर लाया, यहां पे जो रुधिर लाती है इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, और इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। अब अभिवाही धमनिका जो होती है इसका व्यास थोड़ा मोटा होता है, यानी यह इसका व्यास थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहां से जितनी मात्रा में यहाँ पे रुधिर आता है उतनी मात्रा में यहां से नहीं निकल पाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी, जो बोमेन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस होता है, इसकी कैपिलरी में क्या पड़ता है, एक दबाव पड़ता है, उस दबाव के कारण यहाँ पे रुधिर का फिल्ट्रेशन हो जाता है। और यहाँ फिल्ट्रेशन के साथ में आपने देखा होगा कि यहाँ पे यूरिया, यूरिक अम्ल, कई सारे साल्ट और कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज वगैरह का भी इसमें फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिर यह इसको अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं, या इस फिल्ट्रेशन अब इस नलिका के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है, और यहाँ पे जो आवश्यक पदार्थ होते हैं इन आवश्यक पदार्थों का फिर पुनः अवशोषण हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम चयनात्मक पुनर्अवशोषण। ये चयनात्मक परिअवशोषण होने के बाद यह आवश्यक पदार्थ यहाँ से अवशोषित हो जाते हैं, और उसके बाद यह संग्रही नलिका में चला जाता है, ये होती है संग्रही नलिका, और इस संग्रही नलिका में से यहाँ पे यह यूरिनरी ब्लैडर में यह चला जाता है, जो कि समय समय पर इसको हम त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इसकी क्रियाविधि। तो आंसर क्या होगा, व्रतकाणु या नेफ्रांस की रचना व्रत में अनेक आधारित निश्चेतन एकक होते हैं, जैसे हमने बताया कि कई सारे नेफ्रांस से मिलकर किडनी का निर्माण होता है, तो उस नेफ्रांस जो नेफ्रांस में क्या होता है, निस्यंदन या इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, एकक का मतलब होता है यूनिट, जिन्हें नेफ्रांस कहते हैं, इन्हें बहुत पतली व्यक्ति वाले रुधिर केशिकाओं का गुच्छ, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, होता है, जो एक नलिका के आकार के सिरे के अंदर बंद होता है। यहाँ पे एक नलिका के साथ ये है, और इसमें है ग्लोमेरुलस क्या होता है, बंद होता है। इसकी क्रियाविधि क्या है, व्रतकाणु या नेफ्रांस की क्रियाविधि, व्रतकाणु की नलिका कोशिका गुच्छ से धागे छने हुए मूत्र, जिसमें कि यूरिया, यूरिक अम्ल, यहाँ पे जो यूरिन क्षमता है उसमें क्या क्या होता है, यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं, वो एकत्रित करता है। वो एकत्रित कहाँ होता है, यहाँ पे
इस प्रकार प्रारंभिक निष्कंदन में कुछ उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज अमीनो अम्ल लवण और प्रचुर मात्रा में जल भी इसमें पाया जाता है। नलिका में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है इन पदार्थों का चयनित पुनर्वसन हो जाता है। चयनित का मतलब क्या है? सिलेक्टिव अब्सॉर्प्शन, मतलब जो आवश्यक पदार्थ होते हैं इस नलिका में से पुनः उनको अवशोषित कर लिया जाता है। यह मूत्र प्रत्येक वर्तणु नलिका से संग्राहक मूत्र नलिका में एकत्रित हो जाता है। ये जो संग्राहक नलिका है यहाँ पे यह एकत्रित हो जाता है और मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है, जो कि समय समय पर उसको हम त्याग देते हैं। तो ये डायग्राम अच्छे से आगे वाले जो हमने इस टॉपिक को पढ़ाया था इसका पूरा नामकरण वगैरह था, यहाँ पे हमने सिर्फ इसको समझाने के लिए यहाँ पे आपको ड्रॉ किया है। एग्जाम में आता है तो आप इसको व्यवस्थित तरीके से ड्रॉ करके उसको नामांकित करके आप इस प्रकार से उसका आंसर लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दो। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? पादपों में भी उत्सर्जन होता है और उस उत्पादों को किस प्रकार से यह शरीर से बाहर निकालते हैं या किस प्रकार से इससे मुक्त होते हैं? तो देखिए इसकी तकनीक कुछ अलग है, कुछ विविध तकनीकों का यह उपयोग करता है। जैसे हमने बात की थी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पादप में जो वैक्यूल्स होते हैं या जिसको हम मृत्तिका कहते हैं, एक तो उसमें यह संचित हो जाते हैं, दूसरा ये पुराना जो जाइलम होता है इस जाइलम में गोंद के रूप में जमा हो जाते हैं। गोंद या रेजिन आपने सुना होगा, गोंद रेजिन के रूप में आपने गोंद देखा होगा ना, आपने जो ग्लू यूज करते हैं तो वह गोंद चिपकाने वाला काम जो आप पेपर वगैरह चिपकाते हो वह गोंद के रूप में यहाँ पे जमा हो जाता है। अथवा जो पत्तियां पतझड़ में आपने देखा होगा कि पौधों में जो पत्तियां झड़ती है उस पत्तियों के साथ भी यह अपने उत्सर्जी पदार्थों को मुक्त कर सकते हैं, या अपने आसपास में जो मृदा होती है उस मृदा में भी यह जड़ों के द्वारा भी कुछ उत्सर्जी पदार्थों को यह मुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा? पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं या गोंद या रेजिन के रूप में पुराने जाइलम में संचित हो सकते हैं, अथवा गिरती हुई पत्तियों के द्वारा दूर किए जा सकते हैं या ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक तीन, और प्रश्न क्रमांक तीन में पूछा कि मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? यूरिन बनाने के लिए उसकी जो मात्रा या कितनी क्वांटिटी में वह होगा वह उसका नियमन किस प्रकार से होता है? तो यूरिन बनाने की मात्रा होती है उसका नियमन उपलब्ध अतिरिक्त जो जल होता है उस जल तथा जल की मात्रा एवं उत्सर्जी हेतु प्राप्त विलय व्यस्त पदार्थ या विलय व्यर्ज पदार्थ जो होता है उस पे यह निर्भर करता है। अपने शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलते हैं? वर्ज या वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और जो प्रोटीनस या नाइट्रोजनस जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा पर या उसपे और अतिरिक्त जल की मात्रा पर उसका नियमन होता है कि यूरिन का बनाने की मात्रा का नियमन इस प्रकार से होगा। अब इस प्रकार से यहाँ पे यह प्रश्नोत्तरी आपकी समाप्त होती है। अब हम देखेंगे अभ्यास के प्रश्न।